पिछले तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टिहरी बाईपास रोड पर कई जगह मलबा आने से कई घंटे मार्ग बाधित रहा, इससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मॉल रोड मसूरी पर भी पत्थर और मलबा आने से लोगों को परेशानी हो रही है। बाद में नगर पालिका की ओर से मार्ग को साफ किया गया। मसूरी के तिब्बती मार्केट के पास संपर्क मार्ग टूटने से आवाजाही बाधित हुई और पालिका पिक्चर पैलेस रोड पर दो पेड़ गिरने से दो मोटरसाइकिल चपेट में आ गई। भारी बारिश चलते पास ही होटल की छत भी से क्षतिग्रस्त हो गई। ये घटना देर रात की हुई जिसमें किसी तरह के भी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब पेड़ गिरने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। पूर्व नगर पालिका सभासद और क्षतिग्रस्त होटल के मालिक दर्शन रावत ने कहा कि इन दो पेड़ों से खतरा बना हुआ था, ये कभी भी टूट कर जनहानि कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पहले ही मसूरी वन प्रभाग को पत्र लिखकर इन दो पेड़ों को काटने के लिए कहा था, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, जो पिक्चर वैलेस से नगर पालिका वाली रोड जाती है उस पे दो पेड़ सूखे हुए थे बांध के, और 2022 में भी मैंने पत्र लिखा था फॉरेस्ट विभाग को कि भाई ये जो पेड़ कभी भी गिर सकते हैं और ये कि ये दुर्घटना का विषय हो सकता है। तो वन विभाग द्वारा दो साल से उस पे कोई पैरवी नहीं की गई, नहीं उनकी कोई परमिशन दी गई। और आज जो है, कल रात जो बारिश हुई, आज सुबह जब हमें पता लगा तो वो दोनों पेड़ जो है वहां पे गिर गए हैं और सामने एक होटल की छत पे गिरे हैं और पीछे की साइड भी जो पिकनिक होटल है उसकी छत पे भी एक पेड़ वहां जा रखा है। अब मसूरी में आजकल बरसात के दिनों सारे मार्ग बंद पड़े हुए और ये जो लंडौर वाला मेन मार्ग है वो भी बंद पड़ा हुआ, एक वैकल्पिक मार्ग ये था और आज यहां पर पेड़ टूटने से यातायात अवरुद्ध हो रखा है। तो मैंने सुबह जो है फॉरेस्ट विभाग गरौला जी को फोन करा, रेंजर साहब को, और उन्होंने मौके पर टीम भेजी है और टीम ने जो है मौके का मुआयना करते हुए और जो होटल स्वामी हैं उनसे बात की है और वो पेड़ कटवाने के लिए परमिशन दे दिए कि आप इसको कटवाइए, और जो होटल स्वामी हैं वो उसमें पैरवी कर रहे हैं और पेड़ को कटवा रहे हैं। पर मेरा एक कहना ये है कि जब हम लोग किसी चीज़ की पैरवी करते हैं तो उसमें जो सरकारी विभाग है हमारे जितने भी हैं वो एक लापरवाही के तरीके से काम करते हैं और ये लापरवाही जो है आगे जाके एक बहुत बड़ी मुसीबत में तब्दील हो जाती है। अगर इस पे दो साल पहले संज्ञान लिया गया होता तो आज ये घटना वहां पर नहीं होती। तो इसीलिए मेरा सरकारी विभाग से निवेदन है कि वो जनता की कोई भी अगर मांग होती है तो उस पर तुरंत पहल करें और जिससे आगे जाके बड़ी समस्या का रूप हमें देखने को न मिले। पेड़ गिरने से लगभग कितना का नुकसान आप समझ रहे हैं कि नुकसान हुआ होगा उनका? देखिये, जो सामने छत पे गिरा है तो अब आज के टाइम के हिसाब से तो ये लगा लो कि लाख से ऊपर तो है ही वो जो खर्चा हुआ, और एक बाइक भी उसकी जद में आई है और जो पीछे वाला होटल है उसकी भी छत डैमेज हो रखी है। तो उसका आकलन तो देखो जो ठेकेदार लोग हैं वही लगा सकते हैं, पर ये कि काफी नुकसान हुआ। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।